तो गाइस इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को जो है ओपन कर लेना। अगर आपके पास कोई और ब्राउज़र है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है सिबिल स्कोर चेक। ये चीज़ आपको गूगल पे सर्च कर देना, उसका थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको गेट योर फ्री सिबिल स्कोर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल डालनी होगी, जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी प्रूफ में आपको वो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट कर, मतलब पासपोर्ट नंबर या फिर इनकम टैक्स जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं पैन कार्ड की डिटेल डालूंगा, तो आपको पैन कार्ड की ही डालना है। पासपोर्ट, वोटर आईडी अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, वरना आपको ज़्यादातर पैन कार्ड ही करना है आपको, ठीक है। और अभी ये करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आईडी नंबर डाल देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद अपना एरिया पिन कोड, मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। गाइस मैंने ईमेल डाल दिया, और गाइस यहाँ पे थोड़ा पासवर्ड थोड़ा सही से डालना है, अपना नेम डाला है उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कुछ स्पेशल करेक्टर, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है, और उसके बाद आईडी टाइप में आपको पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी आईडी नंबर डाल देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ ये सारी चीज़ें। तो गाइस मैंने सब कुछ फिल कर लिया, उसके बाद थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे हमें यहाँ पे एंटर करना होगा, तो हम एंटर करेंगे। और ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। और तो गाइस यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोला होगा, तो मैंने यहाँ पे आई डोंट हैव एन अकाउंट और यहाँ पे सीधे नीचे सेलेक्ट कर दिया है, तो मैं अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करता। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको इसे नो कर देना है। यहाँ पे मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये आपका डिवाइस है या किसी और का, तो ये मेरा नहीं है। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। और जैसे आप गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और गाइस उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं मेरा जो सिविल स्कोर है इतना है, मेरा भी ज़्यादा नहीं है, मेरा मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं है। गाइस मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, इस वजह से मेरा स्कोर मतलब बिल्कुल डाउन है। आपका होगा तो वो आपको यहाँ पे देख जाएगा जितना भी आपको होगा। मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाया था, मेरा वैसे सिविल स्कोर ज़्यादा नहीं है, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया है, यहाँ यहीं पे आपको क्लिक कर देना है, कहाँ है ऑप्शन व्यू योर सिविल रिपोर्ट, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और कुछ इस टाइप से आपका जो है सिविल स्कोर दिख जाएगा, कहाँ है यहीं पे आपको ऊपर ही दिख जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह से आप अपना सिविल स्कोर देख सकते हैं, मेरा बिल्कुल डाउन है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।